दूसरा वनडे मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज विशाखापट्टनम में होगा महामुकाबला। भारत 1-0 से आगे, कप्तान रोहित शर्मा की होगी वापसी, टीम इंडिया की नजरें होगी सीरीज जीतने पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट की जानकारी में। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक जरूर दबा दीजिएगा। भारतीय टीम जब रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। मेजबान भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश बल्लेबाजी में सुधार करके सीरीज में वापसी करने पर होगी। ईशान की होगी अंतिम एकादश से छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दिया जाए कि पहले वनडे में पारिवारिक कारणों से नहीं खेल सके कप्तान रोहित शर्मा की टीम में वापसी होगी। उनके आने से ईशान किशन की अंतिम एकादश से छुट्टी हो जाएगी। ईशान का पहले वनडे में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और वे सिर्फ 3 रन ही बना सके थे। गिल संग करेंगे ओपनिंग। अगर रोहित शर्मा आज वापसी करते हैं तो वो गिल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन के अलावा अंतिम एकादश में कोई और बदलाव होने की संभावना नहीं है और रोहित शर्मा युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दिया जाए कि सूर्या पर भी दबाव बना रहेगा इस मैच में। बड़ी पारी खेलने का दारोमदार उनके साथ रहेगा इस मैच में और T20 में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव अभी तक वनडे क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर सके हैं। मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खाता खोले बिना पवेलियन लौट चुके थे। आप सभी को बता दिया जाए। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सूर्य कुमार को यदि वनडे टीम में अपनी स्थायी जगह बनानी है तो उन्हें इस सीरीज में एक बड़ा स्कोर बनाना होगा। विशाखापट्टनम में 10 में से सिर्फ 1 मैच हारा है भारत। आज तक के अगर रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो अब तक भारत ने विशाखापट्टनम में 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें से मात्र 1 मुकाबला भारत ने हारा है। और इसके अलावा भी अपन रिकॉर्ड की बात करें तो हम बात करते हैं कि विशाखापट्टनम में अब तक 10 मैच भारत ने खेले हैं जिनमें से 1 मैच भारत ने हारा है। 10 वनडे भारतीय टीम ने अब तक विशाखापट्टनम में खेले हैं जिसमें से 7 मैच भारत ने जीते हैं और 1 हारा है, 1 टाई रहा है और 1 बेनतीजा रहा है। भारतीय टीम का विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में बेहद दमदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने यहां अभी तक खेले गए 10 वनडे महामुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबला हारा है और मेजबान भारतीय टीम यहां एकमात्र मैच 24 नवंबर 2023-13 में वेस्टइंडीज से हारी थी। ऑस्ट्रेलिया से 13 साल बाद यहां भिड़ंत होगी। इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग 13 साल बाद मुकाबला खेला जाएगा। एकमात्र मुकाबला दोनों टीमों के बीच 20 अक्टूबर 2010 में खेला गया था जिसे भारत ने 5 विकेट से जीत लिया था। अगर इस पिच के मिजाज की बात करें हम दोस्तों तो यहाँ की विकेट बल्लेबाजों की दम मददगार मानी जाती है और भारत ने यहाँ 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रन का महान विशाल स्कोर खड़ा किया था। तो आप सभी को एक बार फिर से हम मौसम के मिजाज की बात बताएं कि आज बारिश की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती। जिससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अब हम बात करते हैं
कि आज के इस मुकाबले में बारिश का मिजाज कैसा रह सकता है। रविवार को विशाखापट्टनम में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो आप सभी को एक बार फिर से बता दिया जाए कि कप्तान रोहित शर्मा की आज के इस मुकाबले में वापसी होगी और ईशान किशन को बाहर जाना पड़ेगा और शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा यहां ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।